तो चलिए सर, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं कॉन्टिन्यू व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और स्क्रीन शॉट्स हमारे पास भेज रहे हैं कुछ इस तरह से कि सर हम अपना पेपर लॉक कर रहे हैं, या फिर हम अपना री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर हम न्यू एडमिशन कर रहे हैं, फॉर्म तो ओपन हो रहा है लेकिन वहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करें। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हर समय देखिए हर काम नहीं होता है, रूल्स होते हैं उसके अनुसार आपको चलना होता है। हो सकता है वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई दे रही हो लेकिन वहाँ पे फॉर्म आपका सबमिट ना हो रहा हो, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं अगर आप इसको समझेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं गलती से डुप्लीकेट एंट्री का शिकार ना हो जाए, जिस कारण से आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन था वो भी कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है वहाँ पे। तो ये सारी अपडेट देंगे। तो कुछ मैंने टॉपिक कवर करने के लिए यहाँ पे आपके लिए टॉपिक लिए हैं, यानी कि जो भी आपके डाउट है इसमें हो सकती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओ से ए लेवल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, कैसे करना है, ओ से ए लेवल में री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब करना है, और फॉर्म ओपन हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, और या फिर ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कैसे करना है, एग्ज़ाम या पेपर लॉ कैसे करना है, कीप्ड इन एब्सेंस आपके में लिख के आ रहा है प्रोफाइल में, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से कैसे आपको बचाना है, ठीक है। तो ये सारी अगर प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो कैसे आपको देखना है, तो ओ और ए लेवल में रजिस्ट्रेशन आपके अभी नहीं हो रहे हैं, नोट करके रख लीजिए अपने कहीं भी कॉपी में कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। आपकी लास्ट डेट थी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल ऑलरेडी एक मंथ होने वाला है, 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट थी जुलाई एग्जाम के लिए, ठीक है। ये अभी ओपन होने के चांस हैं, ठीक है, होंगे ज़रूर, क्योंकि जब आपके पेपर लॉक स्टार्ट होंगे आपके तो आपकी ये भी डेट स्टार्ट कर दी जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से है आपके न्यू एडमिशन। देखिए ये फॉर्म जो है ये आपका 24x7 ओपन होता है, ठीक है, 24x7 यानी कि 365 दिन आपका ये जो है फॉर्म ओपन रहता है, लेकिन ये फिलअप नहीं होता है। फिलअप जब ही होता है जब इसका परीक्षा क्रम आपका लगा हुआ होता है, यानी कि एग्ज़ाम साइकिल आपका, देखिए यहाँ एग्ज़ाम साइकिल में यहाँ पे जब नेम शो हो आपको तभी आपको यहाँ फिलअप करना है। अभी इसमें कोई भी नेम नहीं शो हो रहा है, अभी जुलाई यहाँ पे शो होता है जुलाई 2023, इसका मतलब अभी ये फॉर्म एक्टिव है, ठीक है, तो अभी ये फॉर्म एक्टिव नहीं है, जिस कारण से अभी आप इसमें न्यू एडमिशन नहीं ले सकते, ना ही ओ लेवल में ना ही ए लेवल में, तो अभी आप इसको ना भरें, ठीक है। पहला आपकी डाउट क्लियर हो गई, ये जब ओपन होगी तब आपको बता दिया जाएगा, जल्दी ओपन होगी। उसके बाद है ओ से ए लेवल में, ओ या ए लेवल में री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो देखिए री रजिस्ट्रेशन की मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ये आपको कब करना होता है तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये जो स्टूडेंट है इनका तो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, जैसे बहुत से बच्चों की प्रोफाइल में दिखा रहा होगा जनवरी 2023 में एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो उन बच्चों को करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 15 अप्रैल से पहले कर दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो आपके पास एक साल का समय है, अभी आपको एक मौका और मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत से बच्चे हैं जिनका 2023 जुलाई में है एक्सपायर होने वाला है, तो क्या उनको अभी री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी उनको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी ऑलरेडी अभी जुलाई में मान लीजिए एग्ज़ाम होता है या अगस्त में कभी भी होता है, और उससे पहले आपको जो है पेपर लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मई या जून में आपके पेपर लॉक स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पेपर लॉक कर देते हैं उसके रिजल्ट आने के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप फेल होते हैं तो, अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। उससे पहले आप अपना प्रोजेक्ट ज़रूर सबमिट करवा लें, ये सारी बातें आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है, पॉज करके देख लीजिएगा। जो लोगों का जनवरी में एक्सपायर हो गया है और 15 से पहले नहीं कर पाए हैं तो वो अभी नहीं कर पाएंगे, उनको वेट करना है न्यू डेट आने तक। जो बच्चे जुलाई 2023 में एक्सपायर होने वाला है और वो जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको अभी करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर उनको जुलाई के बाद करना ही पड़ेगा, या जनवरी में देना चाहते हैं तब भी आप री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, अभी डेट ओपन होगी, लेकिन कब करना है, 1 अगस्त को, उससे पहले नहीं करना है आपको, ठीक है। और कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे आपको जाना है प्रोफाइल में, लॉगिन करेंगे तो, और यहाँ माय कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विंडो आएगी और यहाँ पे ऑप्शन होता है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। बेसिकली नैलेट को यहाँ पे एक ऑप्शन बना देना चाहिए था री रजिस्ट्रेशन का भी, अब इन्होंने नहीं बनाया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन इसी में आपका ऑप्शन होता है। अभी ये जो बच्चा है देखिए, अभी इसका रजिस्ट्रेशन अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो इसके प्रोफाइल में देखिए शो क्या हो रहा है, कैंसल।
अभी यहाँ पे अगर ये बच्चा अनजाने में ना अगर उसको जानकारी हो और वो ओ लेवल पे क्लिक करके और डायरेक्ट पे क्लिक करके अपना फॉर्म अगर फिलअप कर देगा तो क्या होगा, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर इनको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और फिर उनको क्या होगा, चारों पेपर चारों प्रैक्टिकल सब देने पड़ेंगे। तो ये गलती ना करें, बहुत से लोग कर चुके हैं। ठीक है, आपका जब एक्सपायर का केस होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा री रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे शो होता है। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन शो होता है और यहाँ पे एग्ज़ाम नेम शो होता है। अभी देखिए कोई एग्ज़ाम नेम शो नहीं हो रहा है, ये तभी होता है जब आपका एडमिशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट होंगे तो ही आपका ये ओपन होता है। पेपर लॉक होते हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको बतानी चाहिए। तो अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, अभी क्लोज़ है, अभी आपको नहीं करना है। तो दूसरा भी मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, उसके बाद ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र करना है, तो ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र करना है उसके लिए भी आपको यहीं पे जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको ए लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आपका कंप्लीटेड लिख के आएगा, जब यहाँ पे आपका कंप्लीटेड लिख के आएगा तो आपको यहाँ पे ए लेवल में क्लिक करके यही फॉर्म को फिलअप कर देना, आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ए लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहीं से प्रोफाइल से। ठीक है, 500 रुपये उसकी फ़ीस लगेगी, लेकिन कब करना है, जब यहाँ पे एग्जाम नेम लिख के आ रहा हो और जब यहाँ पे कंप्लीटेड लिख के आ रहा हो। ठीक है, ये दूसरा तीसरा केस हो गया। उसके बाद एग्जाम लॉक पेपर लॉक कब होंगे, तो एग्जाम लॉक पेपर लॉक की अभी कोई डेट आई नहीं है और इसके लिए लिंक जो है यहाँ पे आपको दिया जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले जो लिंक है यहाँ पे आपको एक्टिवेट करके दिया, यहाँ पे एक लाइन ऐड की जाएगी और यहाँ पे एग्जाम लॉक का लिंक आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड का लिंक दिया है, क्लिक हियर टू व्यू एंड प्रिंट, इसी प्रकार से लिख के आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई एग्जाम फॉर्म। ठीक है, तो अभी नहीं आ रहा, और ये कब तक आएगा, देखिए जुलाई में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिले। जैसे कि हो सकता है कि आपका जुलाई में एक ही प्रैक्टिकल हो सकता है कराया जाए चारों मिला के, अलग अलग ना करके, या फिर हो सकता है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो ये सारी सुनने में आ रही है, अगर जैसा होगा तो आपको अपडेट देंगे। ठीक है, कीप इन एब्सेंस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप ओ लेवल कर रहे थे। ठीक है, ओ लेवल ना करके जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट से आप ओ लेवल कर रहे थे और वो फीस ज़्यादा ले रहे, तो आप क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं सीधे यहाँ पे और ये वाला जो फॉर्म है ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था लेकिन आप यहाँ से नया फॉर्म भर देते हैं, तो क्या होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से और आपके नाम वगैरह से, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से वो डेटा मैच कर जाता है, जिस कारण से वो कीप्ड इन एब्सेंस में आ जाता है। उसका मतलब है आपको ओल्ड वाला रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल करवाना है नाइलेट को मेल या डॉक्यूमेंट सेंड करके, या तो फिर आपको न्यू वाले से ही पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो ये गलती ना करें, पहले अपना ओ से लेवल में ट्रांसफ़र करवा लें एनओसी लगा के, उसके बाद करें। कैंसिल रजिस्ट्रेशन आपका तभी होता है जब आप ये सारे डुप्लीकेट एंट्रीज करते हैं या फिर गलत फॉर्म भर देते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो कैंसिल वाले पर क्लिक ना करें जब तक आपका ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी सारी जो भी डाउट थी आपकी। अभी भी कोई डाउट हो तो नंबर आपके पास अवेलेबल है, पहले आप पूछ लिया करें उसके बाद ही इस सब फॉर्मों को भरा करें, जिससे कि आपका गलती ना हो। अधिकतर है डायरेक्ट वालों के साथ तो ये गलती होती है और इंस्टीट्यूट वालों के साथ भी होती है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूट वालों को भी इन सब के बारे में पता नहीं होता है। 90% इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर लिया करें एक बार व्हाट्सएप पे, या नीचे कमेंट कर दिया कर, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि अभी आपको करना है कि नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।